हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के ऑनर्स पेपर और सब्सिडी पेपर में। आप जो भी ऑनर्स पेपर से बिलोंग करते हैं उन सभी ऑनर्स पेपर का मैं इस वीडियो में सिलेबस के बारे में बात करूँगा। वैसे ऑनर्स पेपर का और सब्सिडी पेपर का सिलेबस इस पूरा वीडियो में मैं कवर नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो है सोशल साइंस का सिलेबस है, ठीक है। सोशल साइंस में जो भी इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, साइकोलॉजी आता है, तो ये आपको हो गया ये ऑनर्स पेपर का सिलेबस। उसी तरह से ह्यूमैनिटीज़ में संस्कृत, पाली, उर्दू, साइकोलॉजी, फिलॉसफी, मैथिली, इंग्लिश, सॉरी साइकोलॉजी इसमें नहीं आता है, तो इंग्लिश, हिंदी, तो ये आपका हो गया ह्यूमैनिटीज़ में। उसी तरह कॉमर्स में देखिए, बीकॉम पार्ट 1, जनरल पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, तो ये कॉमर्स पेपर का हो गया। उसी तरह यहाँ पे आके अगर आगे चलते हैं तो साइंस में देखिए, बोटनी का हो गया, केमिस्ट्री का हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स का हो गया एवं जूलॉजी का हो गया, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये सारा सिलेबस अभी मेरे पास है। अगर मैं सारे सिलेबस का एक एक करके मैं आप सभी को बताने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जितना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सबसे पहले आप सबको किस सब्जेक्ट का जो है, किस ऑनर्स पेपर का ज़रूरी है। वैसे मैं एक एक करके सारा ऑनर्स पेपर का सिलेबस अपलोड करते करूँगा, लेकिन सबसे पहले आप सभी कमेंट में बताइए, तो जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा होगा तो वो मैं सबसे पहले अपलोड करते जाऊँगा। एक एक करके मैं अपलोड करूँगा सिलेबस। यदि मैं एक साथ सबका वीडियो एक साथ बना दूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको ये कल आज शाम से मैं एक एक करके वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप सब देख लीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग रख लीजिएगा, वो आपका सिलेबस हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस ऑनर्स पेपर का मैं सिलेबस आपको यहाँ से हम क्लिक करके आपको दिखा सकते हैं। देखिए, बट देखिए, जैसे यहाँ अगर संस्कृत है कि यहाँ पर हम क्लिक किए तो यहाँ देखिए संस्कृत का जो पेपर है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, इसका सिलेबस जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। देखिए, इस टाइप का सिलेबस मेरे सामने एक इंटरफेस ऐसे करके खुल के आ जाएगा, जो सिलेबस मेरे पास है जैसे संस्कृत का है, तो ये संस्कृत का सिलेबस मेरे सामने खुल के आ गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से मैं एक एक करके सारा सिलेबस को डाउनलोड करके मैं आप सभी को दिखा सकता हूँ, बट ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी वजह से जो है सो हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते हैं, तो हम अगला वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सब मुझे कमेंट करके बताइए, और आप सभी को सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि आप सभी को मन में डाउट होगा कि एग्ज़ाम किस टाइप से लिया जाएगा। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को होता है कि ऑनर्स पेपर जो होता है फ्रेंड्स, वो ऑनर्स पेपर जो है कितना नंबर्स का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑनर्स पेपर कितना नंबर का होगा, सब्सिडरी पेपर कितना नंबर का होगा, और सब्सिडरी पेपर में कितना टाइम रहेगा, और टोटल एग्जामिनेशन कितना टाइप का, यानी कि एक प्रकार से बोले तो एग्जामिनेशन का फॉर्मेट क्या होगा, ऑनर्स पेपर का कितना नंबर का क्वेश्चन होता है, और सब्सिडरी का क्वेश्चन का कितना नंबर का होता है। तो इन सभी पर मैं एक अलग से वीडियो बताऊंगा और उसमें डिटेल से डिस्कशन करेंगे, कितना नंबर पास मार्क होता है, कौन सा सब्जेक्ट, तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, ताकि फ्रेंड्स में इस वीडियो को लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलती है और मैं अगला वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो एक एग्ज़ाम के फॉर्मेट के बारे में एक अच्छे से वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप सब वहाँ से देख लीजिएगा। और बात रही सिलेबस का, तो मैं सिलेबस को यहाँ से मैं आपको जैसा कि मैंने दिखाया कि डाउनलोड करके हम आप सबको दिखा सकते हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस तरह से मुझे एक एक करके जो है डिस्कस करना पड़ेगा सिलेबस, तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा सिलेबस। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।